वेलकम वेलकम बैक। सो गाइस कैसे हो? बढ़िया। तो लगा ही लेते हैं। वेलकम बैक गाइस, आई एम सचिन एंड यू आर वॉचिंग फील द लाइफ। दोस्तों, कोरोना लॉकडाउन पेंडेमिक ये वो सब चल रहा है। ऐसे सिचुएशन में बाहर जाना बहुत हार्मफुल है, मतलब जाना भी नहीं चाहिए, बट हम लोगों को कभी कभी जाना पड़ता है और बहुत इम्पोर्टेंट काम भी होते हैं और जो इमरजेंसी सर्विसेज करते हैं उनको तो जाना ही पड़ता है। तब हम लोग कार प्रीफर कर सकते हैं या फिर अपना टू व्हीलर प्रीफर कर सकते हैं। प्रीफर करो अपना खुद का कार या फिर टू व्हीलर या फिर जो भी आपका व्हीकल होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से थोड़ा थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो आप, अगर बचना है तो। तो आज मैं ऐसे ही कुछ करने वाला हूँ क्योंकि मैं कार बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। मुझे जहां भी जाना होता है मैं कार या फिर टू व्हीलर ही यूज करता हूँ। और मैंने देखा कि मैंने लास्ट टाइम एक बार कार सैनिटाइज करवाया था बाहर से, उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया, बट इतना कुछ मैं सेटिस्फाई नहीं था उस चीज से। तो आज सोचा कि मैं क्यों ना घर बैठे ही कार को सैनिटाइज कर लूं, तो आपके साथ भी शेयर करता हूं उस सैनिटाइजेशन का पूरा प्रोसेस। कार सैनिटाइज करना बहुत सिंपल है दोस्तों, घर पे करना बहुत आसान है, उसके लिए कुछ ज्यादा चीजें भी नहीं चाहिए। सबसे पहले तो आपको आपकी कार वॉश करके रखनी है। आप कार वॉश बाहर से भी करवा के ला सकते हो, ताकि वो जो होता है वो प्रेशर से साफ कर देते हैं, और फोम वॉश अगर आपने करवाया तो वो और ज्यादा बेटर रहेगा। टॉप वॉश कर लो बाहर से, और घर पे आने के बाद में आप कार को अंदर से आपके हाथ से सैनिटाइज करवा लो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अंदर से ही सैनिटाइज करना पड़ता है कार को, आपको बाहर से भी सैनिटाइज करने की जरूरत होती है। बाहर से क्या क्या चीजें आपको सैनिटाइज करनी पड़ती है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। सैनिटाइजेशन के लिए मैंने कुछ चीजें ली है जो कि हमेशा यूज करते हैं हम लोग, जैसे कि ये है कोलिन। कोई ये एड नहीं है, बट ये कोलिन का जो प्रोडक्ट है ये अच्छा है और मैं इसको बहुत सालों से यूज कर रहा हूँ, क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो पहले सबसे पहले आपको इससे क्लीन कर लेना है। आप अगर इससे बाहर से भी गाड़ी क्लीन करते ना तो भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इससे आप ग्लास भी, मतलब विंडशील्ड का जो ग्लास है वो भी आराम से और बहुत बहुत अच्छा साफ हो जाता है इससे। इससे तो पहले हमको पूरा क्लीन कर लेना है, मतलब ये छिड़क के पूरा साफ कर लेना है। उसके बाद में हमको करना पड़ेगा ये जो है मैंने मंगवाया है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा ये, बट ये 99% प्योर अल्कोहल है, मतलब ये पीने का नहीं है, ये सिर्फ साफ करने के लिए ही यूज कर सकते हैं हम लोग। चलो, मस्त बारिश शुरू हो गई है अभी। तो सबसे पहले बाहर से सैनिटाइज करने के लिए आपको डोर हैंडल, ये ऑलवेज यही यूज होता है सबसे पहले, तो ये एंट्री एग्जिट के लिए डोर हैंडल हो गया, मिरर हो गए। मैं तो ये भी खोल के रखता हूँ तो मुझे ये लगाने पड़ते हैं, तो मुझे इनको भी सैनिटाइज करना पड़ेगा। बाद में आता है आपका डैशबोर्ड बोनट को भी यहाँ पे सैनिटाइज करना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि ये है पेट्रोल वाला, तो ये यहाँ से भी और अंदर से भी जो आपका ढक्कन होता है उसको भी आपको सैनिटाइज करना है। फिर आएगा ये डिक्की वाला पोर्शन, ये भी आपको सैनिटाइज करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो है कोलिन से हम ये डोर को क्लीन कर लेंगे। एक सादा आपको एक साफ वाला कपड़ा लेना है, उससे हम पहले डोर को क्लीन कर लेंगे। कैसे करना है, पहले इसको पूरा मार देंगे यहाँ पे, और इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी है ना कि मस्त एकदम नेचुरल ऐसा फीलिंग आता है ना क्या, तो जबरदस्त है। तो ये पूरा ग्लास एरिया जो है ये पूरा क्लीन कर लेंगे। उसके बाद में ये हैंड रखने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, और ये आप देख सकते हो कि नहीं पता नहीं, और ये जगह जो है ये मिरर जो एडजस्ट करते हैं ना हम लोग यहाँ से, ये भी जगह हम सैनिटाइज कर लेंगे। फिर ये पूरा से साफ करेंगे डोर को। ये जो नॉब होता है ये भी हम अंदर से बहुत ज्यादा यूज होता है,
ये हैंडल, पावर सॉकेट के बटन, ये पावर विंडो के बटन्स, बोतल रखने की जगह, वाह, चक्का चक। ऐसे ही हमको पीछे के भी सीट साफ करने हैं। चलो कैमरा गिर गया, ओ शिट। ये तो हो गया है क्लीनिंग, ये जस्ट एक क्लीनिंग था, अब हमको करना है सैनिटाइज, डिसइंफेक्टिंग करना है अपनी कार को। तो उसके लिए हमने यूज करना है ये वाला, मतलब मैं ये यूज कर रहा हूँ। आप कोई भी अल्कोहल बेस वाला सैनिटाइजर या फिर डिसइंफेक्टेंट ले सकते हो, या फिर डेटॉल जो होता है वो डिसइंफेक्टेंट ग्रीन कलर वाला वो भी ले सकते हो, उसको डाइल्यूट कर लो पानी में और उससे भी आप क्लीन कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास वो है नहीं, तो इसके लिए मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। इसको कैसे यूज़ करना है वो भी बताता हूँ। आपको ले लेना है एक टिश्यू पेपर, ये जो है ये गीला हो गया पूरा अभी, तो गीला कर लेना है ऐसे, और इससे आपको साफ करना है जो जो इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पे आपके हाथ लगते हैं, वो जगह आपको साफ करनी है। जैसे कि ये हो गया डोर हैंडल, ये वाला, ये जो पोर्शन है पूरा ये वाला, ये देखो अभी भी यहाँ से काला निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम साफ करेंगे पूरा डैशबोर्ड भी साफ कर लेंगे, एसी के बटन्स वगैरह जो है वो भी हम इसी से साफ करेंगे, सिस्टम के जो बटन्स है वो, एसी के ब्लोअर के जो बटन्स होते हैं वो, ये
क्या है, एयर फ्रेशनर। ये जो नॉब्स है लाइट्स के, ये वाइपर के, ये भी आपको साफ कर लेने हैं इसी से। ये मेन चीज़ें थी। फिर आता है अपना गियर नॉब, गियर नॉब को भी आपको इसी से साफ कर लेना है। फिर है हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक भी आपको इसी से साफ कर लेना है। ऐसे ही हमको चारों डोर्स भी साफ करने हैं, और जहाँ जहाँ हम ज़्यादा टच करते हैं वो सारी जगह हमको, सारी जगहों पे हमको इस तरह से क्लीन कर लेना है। मतलब ये पूरे तरह से अपना गाड़ी जो है वो सैनिटाइज हो जाता है। ये देखो दोस्तों, ये जो अल्कोहल से मैंने साफ़ किया ना, उसकी वजह से ये ऐसा सफ़ेद हो गया है, क्योंकि ये जो था डोर पे जो था मेरे पहले ही पॉलिश था, इसकी वजह से वो निकल गया। बट ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ है, ये पूरा क्लीन हो गया है एकदम से क्लीन। गियर नॉब भी जो है वो भी एकदम क्लियर है, और ये भी क्लियर है। जो जो जगह मैंने इससे साफ़ की है वो पूरी डिसइंफेक्टेंट हो चुकी है अब तक। ये जो डोर का जो इशू है, यहाँ पे पॉलिश था इसलिए वो उस तरह से ख़राब हो गया है। बट ये मेरे पास जो ऑप्शन था वो मैंने यूज़ किया है। मैंने आपको दूसरा ऑप्शन भी दिया है कि जो आप डेटॉल का जो डिसइंफेक्टेंट आता है ग्रीन कलर वाला, वो आप यूज़ कर सकते हो, उसको डाइल्यूट करके, पानी में डाइल्यूट करके उसको यूज़ कर सकते हो। उसी तरह से पूरी कार आप साफ़ कर सकते हो दोस्तों। ये तो था आज का मेरा एक DIY ट्रिक, जिस तरह से हम घर बैठे ही अपनी कार डिसइंफेक्ट कर सकते हैं और सैनिटाइज कर सकते हैं। तो आप भी करो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, घर पे रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल द लाइफ।